अस्सलामुअलैकुम, इकरामुल हक वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर फॉर्मियो। मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्मियो इन दिस सेशन ऑफ वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज डायरी फॉर पार्किंसन पेशेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली आज इस डायरी का इनॉग्रेशन है, तो इस डायरी को बेसिकली लॉन्च करने का जो ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे ऐसे पार्किंसन के पेशेंट जिन्हें न्यूरोलॉजिस्ट या बहुत सारे ऐसे हमारे फिजिशियंस रेफर कर रहे होते हैं फिजियोथेरापिस्ट के पास फॉर द एक्सरसाइजेस, तो बहुत सारी मल्टीपल वजूहत की बिना पर वो एक्सरसाइजेस के लिए अपने फिजियोथेरापिस्ट के पास नहीं पहुंच पाते। खास तौर पे आजकल के जो COVID-19 की सिचुएशन की वजह से तो बहुत सारे पेशेंट्स अपने फिजियोथेरापिस्ट के पास नहीं पहुँच पा रहे, तो उनके लिए बहुत मुफीद और करामत डायरी है। वो अपने घर पर रहते हुए इन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर सकते हैं जो अपने करंट सिचुएशन में फिजियोथेरापिस्ट के पास नहीं जा पा रहे। तो इस डायरी की आज इनॉग्रेशन के लिए हमने जो स्पेशल अपने दावत दी है हमारे कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट को, सबसे पहले जो हमारे चीफ गेस्ट हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर नादिर अली सैयद। ही इज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और ही इज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ MDSP एंड ही इज चेयरमैन ऑफ पार्किंसन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। सर अस्सलाम वालेकुम। और सेकेंडली हमारे हरदिल अजीज डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने इस डायरी की प्रिपरेशन में हमें बहुत सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा हमारा इनके साथ कोऑर्डिनेशन रहा, हमने बहुत ज़्यादा इन्हें तंग भी किया टाइमली। और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ही इज़ अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड ही इज एक्स जनरल सेक्रेटरी ऑफ MDSP एंड करंटली ही इज़ अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ NAR। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर नादिर सैयद और डॉक्टर मालिक साहब की हमें बहुत सपोर्ट रही इस डायरी में, तो मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा स्पेशली सोसाइटी ऑफ NARF का, जो कि एक न्यूरोलॉजी अवेयरनेस एंड रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया इस डायरी की प्रिपरेशन में। वंस अगेन आई एम रियली थैंक्सफुल टू यू फॉर NARF। तो इस डायरी के ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ डिटेल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब से कि हमारी जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें इस डायरी के बारे में थोड़ा डिटेल बताएं कि डायरी किस ऑब्जेक्टिव्स के तहत हमने लॉन्च की है और इस डायरी में क्या क्या पेशेंट्स के लिए जो है वो मालूमात मौजूद है। तो आई विल रिक्वेस्ट टू डॉक्टर अब्दुल मालिक के डायरी का ओवरव्यू। ओवर टू डॉक्टर अब्दुल मालिक। अस्सलाम वालेकुम। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are going to start our already we have started this session. So, ये कोई हमारा academic session as such नहीं है, it's basically a awareness camp which we want to emphasize just not on the therapeutic management of the Parkinson's disease, but also focusing on the rehabilitative part, which is very very important. Being the neurologist, we come across that the patients who are suffering from Parkinson's disease really need a proper rehabilitative consultation. होता यह है कि बहुत सारे मरीज जो हैं वो दवाएं तो ले रहे होते हैं, लेकिन उनके जो अदर मोटर फंक्शंस होते हैं और अदर रिहेबिलिटेटिव जिसके अंदर उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके हवाले से प्रॉपर गाइडेंस बाज़ोकात नहीं होती। तो पार्किंसंस डायरी दुनिया भर में एक्सरसाइजेस के हवाले से पेशेंट्स जो हैं वो पार्किंसंस सोसाइटीज और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हमने भी पाकिस्तान के अंदर इस डायरी को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद फ़क्त एक डायरी के इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि उन तमाम मरीजों का जो पार्किंसंस के मर्ज में मुबतला हैं उनको इस तरफ और तमाम न्यूरोलॉजिस्ट को जो कि पार्किंसंस के मरीज देखते हैं ट्रीट करते हैं उनको भी इस बात की तरफ आमादा करना है कि मरीज को जितना जल्द मुमकिन हो उसकी रिहेबिलिटेशन, उसकी फिजियोथेरेपी और अगर रिक्वायर्ड हो तो स्पीच थेरेपी और अगर रिक्वायर्ड हो तो उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरफ मायल करें। ये डायरी बहुत ही आसान जबान में पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के साथ साथ स्पीच, ऑक्यूपेशनल और दीगर एक्सरसाइज की तरफ मायल किया गया है। बुनियादी मकसद सिर्फ इसका अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि हम लोगों को, डॉक्टर जो के मरीज ट्रीट कर रहे होते हैं उनको इस तरफ आमादा कर सकें ताकि वो अपने इलाज कराएं। इस साथ जो बात है जिसके वो है डॉक्टर नादिर करेंगे। डॉक्टर नादिर अवेलेबल हैं? इकराम जी सर, डॉक्टर नादिर साहब हमारे साथ हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट टू डॉक्टर अवेलेबल हैं जी सर जी
जी सर, डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर आप यू कैन स्टार्ट विद योर टॉक। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर शाजमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो भी अगर डॉक्टर नादिर के साथ और जस्ट ट्रेन फ्रॉम मूवमेंट डिसऑर्डर, डॉक्टर नादिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस हवाले से नाफ डायरी है एक्सरसाइज की बुनियादी तौर पर रिहेबिलिटेशन के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर नादिर इज द मोस्ट एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान हु डील्स इन मूवमेंट डिसऑर्डर एंड ही इज द पायनियर इन टर्म ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी की डेवलपमेंट। तो इनसे हमने सीखा है, इनसे हमने समझा है, तो ही इज द बेस्ट पर्सन। ही इज राइट नाउ इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। ही इज ऑल्सो राइट नाउ द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान सोसाइटी। So I would like to invite Dr. Nader Ali Sayed to have few words to have introduction about this diary. Dr. Nader. Thank you, Dr. Malik. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to start by congratulating NAAF and FAMIVO on bringing forward this very full patient education packet, this guide. और आई थिंक अ लॉट ऑफ थॉट हैज गॉन इनटू इट। पहले आई वुड लाइक मेक जनरल कमेंट्स अबाउट पार्किंसंस एंड एक्सरसाइज। ये पार्किंसंस ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट का आउटकम बहुत वेरिएबल होता है। कुछ पेशेंट 10 साल बाद भी बहुत फंक्शनल होते हैं, कुछ पेशेंट 5 साल में बहुत इनकैपेसिटेट होते हैं। उसकी कई वजूहात हैं और उन वजूहात में से एक वजह का इलाज भी है। जिस तरह हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जैसे देखा है कि दवाइयां बहुत ज्यादा देने से भी बीमारी आगे जाके खराब होती है और कम देने से भी खराब होती है। न्यूरोलॉजी की बीमारियों में से उन चंद बीमारियों में से है जहां पे पेशेंट इंगेजमेंट और पेशेंट पार्टनरशिप जो है वो आउटकम में, पेशेंट सेटिस्फेक्शन में और पेशेंट के फंक्शनल आउटकम में बहुत रोल प्ले करती है। अब इस पे पार्किंसंस के अंदर पीपल हैव लुक्ड एट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म एंड आउट ऑफ ऑल द मेडिसिंस वी हैव द ओनली थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन व्हिच स्लोज डाउन द डिजीज इज अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। इसको देखा जा चुका है और फिर पेशेंट्स को उनके सिम्टम्स के मुताबिक जो पर्सनलाइज रिहैब होती है उनकी, उनके फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डिस्टोनिया ज्यादा है उसका फर्क होगा, किसी को एक्सियल और बैलेंस के सिम्टम ज्यादा है, तो रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का बहुत क्रिटिकल रोल है और जितना जल्दी लाया जाए इट इज गुड। मगर फिजियोथेरेपिस्ट और रिहैब के अलावा भी पेशेंट खुद बहुत कुछ कर सकता है, मसलन एक्सरसाइजेस। और पेशेंट्स को अगर ये अवेयरनेस हो, डॉक्टर्स को पता हो कि पेशेंट्स अगर ये एक्सरसाइज करें तो पेशेंट्स का आउटकम बेहतर होता है, तो पेशेंट्स विल बी मोर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड विद देयर केयर, विद देयर हेल्थ, विद देयर लाइफ एंड विद द डॉक्टर। तो आई थिंक ये डॉक्टर्स के लिए भी मैसेज आना जरूरी है कि शुरू से पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने में इनकरेज करें। एंड आई एम श्योर NAAF विल प्रोवाइड दिस बुकलेट टू ऑल इंटरेस्टेड न्यूरोलॉजिस्ट्स। और अगर पेशेंट्स अगर को थोड़ा बहुत सब बताया जाए कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, दे तो जो थेरेप्यूटिक अलायंस बेहतर हो सकता है और पेशेंट का आउटकम भी बेहतर हो सकता है। और ये इस बुकलेट की खास बात यही है, टॉप टू बॉटम हर चीज कवर करती है, फेस, आईज, आर्म्स, लेग्स, ट्रंक, एंड दिस इज वेरी सिंपल। एंड आई थिंक इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर कुछ भी फॉलो नहीं होगा। एंड एंड में इसमें साइकिलिंग और वॉकिंग का काफी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। एंड वंस न्यूरोलॉजिस्ट्स गेट देयर पेशेंट्स ऑन अ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम, आई थिंक देयर पेशेंट्स विल अप्रिशिएट देम फॉर दैट एंड दे विल अप्रिशिएट देयर ओन गुड आउटकम्स। सो आई वुड लाइक टू एंड बाय कंग्रेचुलेटिंग वंस अगेन NAAF एंड डॉक्टर अब्दुल मालिक की एफर्ट्स इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। 15 इयर्स ये लगे रहते हैं, चीजें करते रहते हैं और पाकिस्तान में न्यूरोलॉजी की अवेयरनेस क्रिएट करने में इनका काफी हाथ है। सो कंग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नादिर, आपने बहुत ही एक ब्रीफ सा एक हमारे डॉक्टर्स को इस डिटेल में बारे में बताया और मैं आपका भी बेहद मशकूर हूँ
कि आपने अपने बहुत कीमती टाइम में से टाइम निकाला और इस डायरी के बारे में हमारे डॉक्टर्स को और हमारे कलीग्स को गाइड किया. मैं नाज के तवसुस और फामियो के तवसुस से आप सबको इस लिंक से ये भी शेयर करना चाहूँगा कि ये डायरी की तमाम जो हार्ड कॉपीज हैं वो फामियो के तमाम जो हमारे कलीग्स हैं वो आप तक एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह पहुंचा देंगे. तो हम ये चाहते हैं कि इस पेंडेमिक कंडीशन में जो COVID-19 की सिचुएशन में ऐसे पेशेंट जो कि फिजियोथेरापिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे वो इस डायरी से जो है अपना बेनिफिट जरूर ले सकें. तो वेरी सून डॉक्टर्स तक ये तमाम हार्ड कॉपीज इस डायरी की पहुंच जाएंगी और हम ये चाहेंगे कि इसको प्रॉपर पेशेंट्स तक भी पहुंचाया जाए. और मैं वंस अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का. नो डाउट इन्होंने बहुत मेहनत की इस डायरी की प्रिपरेशन में और डॉक्टर नादिरली सैयद साहब की भी गाइडेंस रही इस डायरी की प्रिपरेशन में. मैं इन तमाम दोनों न्यूरोलॉजिस्ट का बेहद मशहूर हूँ और उम्मीद करेंगे कि इस डायरी को हम इंशाल्लाह ताला विद द कमिटमेंट के हम प्रॉपर उन पेशेंट्स तक पहुँचाएँ. फामियो इसका जुम्मा ले रही है कि हम प्रॉपर पेशेंट्स तक पहुँचाएँ जिनकी जिसे इन डायरीज की नीड है. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. डॉक्टर नादिरली सैयद साहब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब से मैं कहूंगा कि अगर वो क्लोजिंग में कुछ रिमार्क्स देना चाहें तो प्लीज डॉक्टर नादिरली सैयद अपना सॉरी डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब. डॉक्टर मालिक साहब कैन यू हेयर मी सर आपको मेरी आवाज आ रही है. आई थिंक डॉक्टर मालिक साहब का कुछ इशू है माइक का. तो मैं क्लोजिंग के लिए सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर मालिक साहब अगर दे दें हमें क्लोजिंग रिमार्क्स तो हम अपने सेशन को प्रॉपर क्लोज कर सकें. कुछ इनपुट अपने जरूर शेयर करें. ग्राम मेरे को आवाज ना आ रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई मेरे मैं तो अजीब हूं. हाँ लेकिन डॉक्टर बशीर से आप जरूर लीजिए उसके बाद शाजमा से भी ले लें ना वो भी है मौजूद. डॉक्टर बशीर सुमरो साहब से कहूंगा कि वो कुछ जरूर अपने कमेंट्स शेयर करें रिलेटेड टू दिस डायरी और फिर उसके बाद मैं मैडम शाजमा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कुछ इनपुट्स अपने जरूर दें क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स हमारे साथ लिंक्ड हैं ताकि एक प्रॉपर डॉक्टर्स तक और हमारी टीम तक एक मैसेज जाए. डॉक्टर बशीर सुमरो साहब प्लीज सर. थैंक यू इकराम. मैं समझता हूँ ये जो काविश है अब्दुल मालिक के साथ मिलके डॉक्टर नादिर अली सैयद ने जो गाइडेंस दी हुई है और आपने जो ये इसके लिए कार खैर में हाथ डाला है ये काफी मुफीद है. इस दो तरह से मुफीद है. एक फिजिशियंस को टाइम कम होता है अपने क्लिनिक्स में समझाने का तो इस डायरी को अगर हम लेके बैठेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो पेशेंट जो हमारा है उसके लिए काफी बेनिफिट हो जाएगा. प्लस ये है कि हमारे मरीज जो बेचारे पार्किंसंस के होते हैं क्योंकि उनको लाइफ लॉन्ग ये डिजीज होती है और ये प्रोलॉन्ग इलनेस है. दवाओं के साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी प्लस उनकी फिजियोथेरापी के लिए ये डायरी जो है काफी मुफीद है. मुझे तो इस डायरी का बहुत आइडिया पसंद आया और डॉक्टर अब्दुल मालिक की कोशिशों का ये रंग लाई है चीजें. और थैंक यू डॉक्टर अब्दुल मालिक क्या आपने इसको तमाम उर्दू में वो चीजें बता दी हैं जो पेशेंट के लिए और पेशेंट के फैमिली के लिए काफी हैं और अगर इस पे कोई अमल करेगा तो मेरे ख्याल में पेशेंट को काफी बेनिफिट मिलेगा. वंस अगेन थैंक यू फार्मीवो कि आप इस काविशों में डॉक्टर अब्दुल मालिक का साथ देते हैं और साथ में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी और नार्फ का स्पेशली आप साथ देते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मगर ये डायरियां आप प्लीज अवेलेबल करा दीजिएगा ताकि हर बंदा जो है ना इससे मुफीद हो जाए पूरे पाकिस्तान. थैंक यू अब्दुल मालिक. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स डॉक्टर बशीर साहब. थैंक यू वेरी मच. और फामियो हमेशा आप लोगों के साथ है और हमेशा हर पेशेंट के बेनिफिट में जो भी सर्विसेज हैं वी आर विद यू. थैंक यू वेरी मच. तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम काइंडली आपके कुछ हमें कमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे रिलेटेड टू दिस डायरी प्लीज मैडम. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. आई थिंक डॉक्टर नादिर अली सैयद ने और डॉक्टर अब्दुल मालिक ने
तक जो चीजें बताई हैं, अमेज्ड बाय द आइडिया कि ये इस पे ना सिर्फ सोचा गया है बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल मालिक हैज रियली वर्कड हार्ड. बिकॉज मैं जब से मेरा ख्याल है कि फेलोशिप के बाद से वापस आई हूँ और जितने पार्किंसन के पेशेंट्स मैंने इनकाउंटर किए हैं इन माई क्लिनिक, सबसे ज्यादा मेहनत जो लगती है वो पेशेंट्स को ये समझाने में लगती है कि सिर्फ मेडिसिन उनको फायदा नहीं देगी और अगर लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट चाहिए तो उसमें बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाया जाए. और हमारे पेशेंट्स बड़े कंप्लायंट होते हैं इन अ वे कि अगर आप उनको समझाएंगे तो वो समझ जाते हैं. तो इस तरह की अगर कोई एविडेंस हमारे पास मौजूद होता है, कोई हम हमारे पास उनकी उनको एक्चुअली गाइड करने के लिए ऐसी बुक मौजूद होती है, तो आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया. एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर अब्दुल मलिक हु हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर वैल्युएबल कमेंट्स रिगार्डिंग टू दिस डायरी एंड थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स रिगार्डिंग फ्रॉम यू. तो मैं once again तमाम लोगों को जो है वो शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने संडे के दिन अपने शेड्यूल में से, बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया और इस डायरी से जो भी इंफॉर्मेशन है. तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. इंशाल्लाह फॉर्म यू की टीम एज सून एज पॉसिबल ये तमाम डायरीज जो है वो आप तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचा देगी. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर वंस अगेन अब्दुल मालिक साहब से कि कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दें ताकि हम इस सेशन को अपने कंप्लीट कर सकें. हेलो बॉस, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही यार, अजीब मुश्किल में हूं मैं तो. अच्छा ये बताएं कि मुस्लिम से बात की है क्या? हाँ यार मुस्लिम से भी कहें, मुस्लिम से भी कहें यार. मुस्लिम लाखेर साहब हमारे साथ मौजूद. जी जी डॉक्टर मुस्लिम लाखेर साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अली हसन साहब मौजूद हैं, तो दे आर एक्टिव मेंबर ऑफ एमडीएसपी. तो मैं चाहूंगा कि अगर हमारे पास दोनों मौजूद हैं, तो मैं यहाँ एक्चुअली डिटेल देख नहीं पा रहा कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है. तो मैं मन्नान साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अली हसन साहब या डॉक्टर मुस्लिम लाखेर मौजूद हैं तो मैं उनके भी कुछ व्यूज लेना चाहूंगा. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर. जी जी मैं डॉक्टर अली हसन. आई थिंक आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट डॉक्टर अब्दुल मालिक एंड हिज टीम एंड डॉक्टर नादिर अली सैयद और आप डॉक्टर फारमीमो वाले जो हैं, ये बहुत जबरदस्त स्टाफ है. और आई एग्री विद डॉक्टर शाह अजमा के क्लिनिकल साइड पे हमें बुझाने में वाकई बड़ी दिक्कत होती है और एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं और हमारे पास कोई एस सच कोई प्रिंटेड स्टफ नहीं होता कि उनको सिखाएं उनको समझाएं. तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेजेंट इस डायरी की मौजूदगी में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी उनको समझाने के लिए. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू डॉक्टर अब्दुल मालिक फॉर दिस वेरी एफर्ट, काइंड एफर्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. और डॉक्टर मुस्लिम लाखेर साहब ने अगर हमें ज्वाइन किया है तो आई विल रिक्वेस्ट टू डॉक्टर मुस्लिम लाखेर. मैं इस पूरे सेशन में जिन जिन न्यूरोलॉजिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, मैं अगर चाहूंगा कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट अगर हमें कोई सजेशन या इससे रिलेटेड कोई कमेंट्स देना चाहे तो प्लीज मोस्ट वेलकम, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ मौजूद हैं. मैं चाहूंगा कि किसी तरफ से भी हमें कोई भी अगर कोई गाइडेंस अगर फर्दर कोई आप देना चाहें तो भी वी आर मोस्ट वेलकम. हेलो. चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहली बात तो ये कि इस पूरी सेशन में मैंने किसी की नहीं सुनी, मेरी लगता है सबने सुन ली, तो मेरे को आवाज नहीं आई. लेकिन मैं बहरहाल ऑन बिहाफ ऑफ न्यूरोलॉजी अवेयरनेस रिसर्च, सबसे पहले तो डॉक्टर नादिर का बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा वो
मतलब प्रॉपर मेंटोर की तरह, एक उस्ताद की तरह, एक बड़े की तरह हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं और तमाम वो चीज़ें बताते हैं जिसके नतीजे में हम कोई अच्छी चीज़ इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं उनका सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उसके साथ साथ इस सेशन को ज्वाइन करने पे और हमेशा सपोर्टिव रहने पे डॉक्टर बशीर सोमरो, इज़ अ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी हमारे जितने कोलीग्स हैं न्यूरोलॉजिस्ट, मैं ले रहा हूँ या ना लेता हूँ तो मैं उसके लिए माजरत खाऊँ, उसने दाखिल रहे हैं, अली हसन है, शाजमा, शी इज ऑल्सो अ कंसल्टेंट वुमन डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट। मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ज्वाइन किया। और असल मकसद ये बुनियादी तौर पे प्रोग्राम का ये है कि हम इसके नतीजे में अपने पेशेंट्स की केयर को बेहतर कर सकें, उनके अंदर थेरेप्यूटिक के साथ साथ रिहेबिलिटेटिव पार्किंसन पेशेंट्स को उस तरफ गाइड कर सकें और उसके साथ साथ हम उन लोगों को एक बेहतर जितना मुमकिन है हम उनको कर सकें। ये बुनियादी तौर पर हदफ है। मैं इसमें इसकी प्रिंटिंग में उसके सपोर्ट करने में मैं फार्मीवो का, इकराम का पर्सनली शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने थ्रू आउट इसको बहुत पॉजिटिवली और इस COVID-19 के दौरान जैसे थे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, खासकर डिजाइनिंग एंड अदर थिंग, उसमें हमने बहुत सारी मेहनत करके ये काम किया। इट्स अ टीम एफर्ट। I would like to thank all of the participants of this session and also those who support us for preparing this stuff. Thanks for all. थैंक यू वेरी मच सर, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी हमेशा सर्विसेज आप लोगों के साथ हैं जो भी पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए। वंस अगेन मैं इस दुआ के साथ अपने इस सेशन को क्लोज करूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको इस जो वबा है COVID-19 की, इससे महफूज रखे हमारे तमाम खानदान को और जल्द से जल्द इस बीमारी से, इस आफत से हमें छुटकारा मिल सके। तमाम लोग जहाँ रहें सेफ रहें अपनी फैमिली के साथ, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगबान। अस्सलाम वालेकुम।